अस्सलाम वालेकुम। थर्ड फिलोसोफर हमारे पास आते हैं जी मैकैवली। इनके बारे में जो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं वो है जी कंटेम्प्रेरी ऑफ ऑल एजेस, पावर पॉलिटिक्स, प्रॉफिट ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड एलैबोरेट हिज थ्योरी ऑफ एंड जस्टिफाइज द मीन्स। इस तरह के दो तीन क्वेश्चन आप पास्ट पेपर्स में देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इससे हटकर क्वेश्चंस नहीं आ सकते क्योंकि कुछ नया वो कितना कोई चेंज करेगा। एग्जामिनर जो है लफ्ज़ों का हेर फेर ही होगा ना, थीम तो वही है, जो फिलॉसफी है पॉलिटिकल फिलॉसफी वो तो वही है ना। तो आपने लिखना वही, आपने क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना और पास्ट पेपर्स आपने ज़रूर देखने हैं कि क्वेश्चन में क्या वो कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है, और उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चन को आंसर करना है। नॉर्मली वो लीडर्स के बारे में ही पूछ रहा था कि इसका, क्योंकि नॉर्मली जो अब प्लेटो का फिलोसोफर किंग है, एरिस्टोटल ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मैकियावेली जो है वो प्रिंस की बात करते हैं, ठीक है, या लीडर की, प्रिंस तो इनकी खैर बोल के लीडर की बात करते हैं सही। और आगे जो हमारे पास हॉब्स लॉक और रोसो आएंगे तो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सो इसी तरह की की टर्म्स हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, मैकियावेली जो है ही वॉज बॉर्न इन 1469 एंड ही वॉज डाइड इन 1527 एट इज एंड दैट वॉज द पीक एरा ऑफ मोनार्की, ठीक है। मिडिल क्लास जो है उस वक्त राइज करी थी, चर्च जो है डिक्लाइन कर रहा था बहुत। अच्छा, हर फिलोसोफर का बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्टिंग पीरियड रहा है, और ये जो डिस्ट्रक्शन है उनकी फिलोसफीज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। उस वक्त इटली में ही वॉज बॉर्न इन इटली, ठीक है। तो मेडिसी फैमिली से ये बिलोंग करते थे। अच्छा, इटली जो है उस वक्त पांच डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड हो रहा था, फ्लोरेंस, रोम, पेपल स्टेट, वेनिस, मिलान। नेगेटिविटी अपने इंतहा को थी, मॉरल एंड मोरालिटी जो है वो डिक्लाइन हो चुकी हुई थी या हो रही थी, ठीक है। सोसाइटी जो है वो ख़राब हो चुकी हुई थी बिल्कुल। इटली वॉज एट दैट टाइम कॉल्ड द सोसाइटी ऑफ बास्टर्स एंड एडवेंचरर्स। लॉ एंड जस्टिस बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ था, और कहें कि मतलब रूल ऑफ जो है ना जंगल उस वक़्त था। देर वॉज नो लॉयल्टी, फोर्स एंड गाइल था, करप्शन हाइएस्ट पीक पे थी, मर्सनरीज थे जिनको हायर किया जाता था, दे वर जस्ट फाइटिंग फॉर गोल्ड एंड कॉइन्स, ठीक है, कोई पेट्रियट्स नहीं थे। ऐसे टाइम में जो है मैकियावेली की बर्थ होती है, ठीक है, उन्होंने ये टाइम सारा देखा है तो इसीलिए उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर इन चीज़ों का होता है। अच्छा, फर्स्ट ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चांसलर, सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल में, ठीक है, जो कि काउंसिल ऑफ 10 था उसमें ही वॉज अ सेक्रेटरी। ही वॉज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन थे, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के साथ रहे। इनिशियली ये पॉलिटिशियन ही थे, ठीक है, सिटीजन आर्मी में भी इनका थोड़ा बहुत रहा। फिर क्या कुछ हालात इनके ख़राब होते हैं, ही वॉज कैप्चर्ड, टॉर्चर्ड, और फिर फाइनली ही वॉज वैनिश फ्रॉम फ्लोरेंस। कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं पॉलिटिशियन जो मैकियावेली था, ही वॉज डायड, डायड नॉट इन लाइक रियली डायड, बट इट्स लाइक कि उनका पॉलिटिशियन मर जाता है और राइटर बॉर्न होता है। सो ही रोट अ बुक विच वॉज नेम्ड एज द प्रिंस इन 1513। प्रिंस में जो एडवोकेसी हुई है वो सेल्फिश रूलर्स की हुई है, विच हैज़ नो सेंस ऑफ मोरालिटी। और फिर प्रिंस में बताया गया है कि एक प्रिंस को या एक रूलर को क्या क्या करना चाहिए अपनी स्टेट को बचाने के लिए, एक अच्छा किंग प्रिंस या रूलर होने के लिए उसके लिए कुछ एडवाइसेस हैं। ये बुक उन्होंने क्यों ही लिखी थी, इट वॉज़न्ट मेंट फॉर पब्लिकेशन। मेडिसी प्रिंस को एज अ गिफ्ट उन्होंने बुक देनी थी, बट समहाउ ये पब्लिश हो गई। डिस्कोर्स भी इन्होंने लिखी है, ठीक है, और प्रिंस भी इन्होंने लिखी, दो बुक्स इनकी। इसमें इन्होंने यूनिटी ऑफ इटली को बताया है, इन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट को बताया है, इन्होंने कुछ एडवाइसेस दी हैं।
किंग को या प्रिंस को, ठीक है, जिसमें वो स्टार्ट करते हैं कि जो नेशनल आर्मी है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑनर लॉयल्टी एंड पेट्रियाटिज्म, मर्सनरीज का जिक्र जिस रहा पहले था कि लोग मर्सनरीज को हायर करते थे या वो लोग होते थे जो कि गलत काम करें. सो सिटीजन के अलाइन होनी चाहिए आर्मीज और पेट्रियाटिज्म पे बेस्ड होनी चाहिए. आपने सीक्रेसी को प्रिजर्व करना है और ओबीडियंस को कंपेल करना है. ही ऑल्सो एडवाइज प्रिंस के उसे प्रॉपर्टी ऑफ वुमेन से दूर रहना चाहिए. ही इज बेटर टू बी फियर देन टू बी लव, बिकॉज इफ इट्स टू बी फियर तो वो सेफ है उसके लिए, लव जो है उसका रिस्की होता है. फोर्स को रुथलेसली यूज करना इज ओके, यूज ऑफ ब्रूटल फोर्स विद इंटेलिजेंस, बट अवॉइड सेंसलेस यूज ऑफ फोर्स. ठीक है, इंटेलिजेंस आप यूज कर सकते हैं बट सेंसलेस नहीं होनी चाहिए. एक्ट एज फॉक्स और लायन. वो कहते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट सेट करने के दो वेज हैं, वन इज बाय लॉ एंड द अदर इज बाय फोर्स. लॉ करेक्ट्स मैन बट फोर्स करेक्ट्स बीस्ट. फोर्स शुड बी यूज बाय एक्टिंग एज ब्रेव एज लायन एंड एज कनिंग एज अ फॉक्स. सो ही सेज के एक्ट डिसाइसिवली, ठीक है, अवॉइड हेजिटेशन इन इम्प्लीमेंटिंग दिस डिसीजन. बी पॉपुलर अमंग द पीपल, विन ओवर द लव एंड अफेक्शन ऑफ पीपल, अब्सटेन फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड वेमेन ऑफ सब्जेक्ट्स. एक्ट एज अ फादर बिकॉज फादर वॉन्ट्स यूनिटी इन फैमिली एंड ओबीडियंस. और जिस तरह के हालात थे इटली के तो ही वॉन्ट इटली एज अ यूनाइटेड स्टेट. अवॉइड एक्सेसिव एक्सपेंडिचर्स, डू नॉट शो एक्सेसिव जेनरॉसिटी. एक्ट एज अ ग्रेट प्रिटेंडर, ठीक है, पावरफुल मैन, ए ग्रेट प्रिटेंडर एंड डिसेंबलर. पोज एज करेजियस, ही मस्ट पजेस ग्रेट डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ विल. एंड ही शुड प्ले बैलेंस ऑफ पावर गेम इन डिस्प्यूट, ऑलवेज साइड वन वे और अदर इफ पॉसिबल. वन शुड प्ले बैलेंस ऑफ पावर. अवॉइड फ्लैटरर्स. बी एन अपॉर्चुनिस्ट. Want to gain power must be an opportunist of the first water. Be extreme towards a friend or enemy. And according to Machiavelli, take them seriously. Do everything for your friend. Destroy enemy before he gains roots of power. और इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं. बिकॉज इन द पास्ट लॉयल्टी नहीं थी तो इन्होंने लॉयल्टी और नेशनल आर्मी और ये सब चीज़ों को इनक्रेज किया कि इस तरह चीज़ें चलनी चाहिए, स्टेट इस तरह चलनी चाहिए, नेशनल आर्मी इस तरह की होगी, सीक्रेसी होनी चाहिए. ठीक है, एंड ही सेड वट एवर डन इन सेल्फ इंटरेस्ट इज राइट. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैकियावेली एंड जस्टिफाइज द मीन्स, तो उनके लिए एंड पे पहुंचना जरूरी है. मीन कुछ भी हो, एंड पे पहुंचना जरूरी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंस एंड मैकियावेली. उनकी कुछ थॉट्स थी जो हमने डिस्कस की. होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस. इफ यू हैव एनी क्यूरी डू आस्क मी. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.